purifying and storing well. We are doing our 14th unit biomolecules and today's topics are fructose, sucrose, maltose and lactose. Let's start. Fructose को fruit sugar भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Fruit sugar. क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये जो है sweet fruits में ज्यादातर मिलता है. ठीक है, honey हुआ और जो भी sweet fruits है उनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं. ठीक है, फ्रुक्टोज. फॉर्मूला वही रहेगा, C6H12O6. जो ग्लूकोज का था वही रहेगा फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला. डिफरेंस ये है कि ये कीटोज है. क्या है ये? कि ये कीटोज, यानी इसके अंदर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. ग्लूकोज में हमने बोला उसको एल्डोज क्योंकि वहां एल्डिहाइडिक ग्रुप था, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कीटोज. ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, सेकेंड जो कार्बन है उस पे कीटोनिक ग्रुप आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ. बाकी सी एस टू ओ एच, यहां पर भी सी एस टू ओ एच, बाकी एच ओ एच. थर्ड कार्बन पे ओ एच रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी राइट हैंड साइड में. दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इसमें क्या होगा, जो सेकेंड कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है ये कंबाइन कर जाएंगे. यहां पर देखो ओ एच है, यहां से ऑक्सीजन से लिंक होगा ये वाला, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ओ एच बन जाएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सी एच टू ओ एच है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ है. ठीक है, 4, 3, 2 के साथ हमने फिफ्थ को क्या करना है, ज्वाइन करना है थ्रू ऑक्सीजन. ठीक है, जोड़ दिया. अब जो इस पे एक ओ एच ग्रुप रहेगा और एक फर्स्ट कार्बन ये है इसके ऊपर सी एच टू ओ एच, ये हो गया फर्स्ट कार्बन. ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा. बाकी एज इट इज है, थर्ड कार्बन पे ओ एच इस तरफ आएगा, फिर एच ओ एच एच. दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. सेकेंड और फिफ्थ को हमें जोड़ना है, इज इट क्लियर? अब ये कौन से वाला सर होगा, कौन सा फ्रुक्टोज है, अल्फा है बीटा है, वो बताओ आप. ओ एच जो है, जो ये जो जिससे ज्वाइन हुआ है उस कार्बन पे हमने देखना है कि ओ एच ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड में, राइट हैंड साइड में है, तो क्या था वो, अल्फा. तो ये अल्फा फ्रुक्टोज हो गया. ठीक है, और इसमें ओ एच जो है फिफ्थ कार्बन पे, ओ एच किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, तभी तो ये यहां पर ज्वाइन हुआ इस तरफ, तो इसलिए इसको डी भी बोलेंगे, तो अल्फा डी फ्रुक्टोज ये बन गया. ठीक है, अब इसका ये तो हो गया फिजर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. हवार्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी क्या बनेगा, देखो 1, 2, 3, 4 है ना, और ये 5, और से 5 मेंबर रिंग होती है ये इस तरह से, जिसमें ये हम ऑक्सीजन करते हैं यहां पर लिंक, और कौन सा सेकंड और फिफ्थ जुड़ा हुआ है, यानी ये सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ. ठीक है, अब इनके ऊपर जो ग्रुप है वो अटैच कर देने हैं. सेकंड ग्रुप पे एक ओ एच है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाले हम नीचे लिखेंगे ओ एच, और ऊपर क्या है सी एच टू ओ एच, इज इट क्लियर? देन थर्ड कार्बन पे ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो कहां पर लिखना है हमने, ऊपर की साइड ओ एच एच. फोर्थ कार्बन पे एच ओ एच. फिफ्थ कार्बन में क्या है, सी एच टू ओ एच ग्रुप है. ठीक है, और एक हाइड्रोजन है, एक मिनट यहां पर हाइड्रोजन रह गया था क्योंकि ओ एच जुड़ा है ना इसका, ये रहा, तो ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन और एक ग्रुप है सी एस टू ओ एच. तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका हवार्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज. अब ये देखो, जैसे हमने उसमें बोला पाइरोनोज रिंग, 6 मेंबर रिंग को बोलते हैं पाइरोनोज, और जो 5 मेंबर रिंग जो होती है उसको बोलते हैं फ्यूरोनोज रिंग. ठीक है, तो अल्फा बनाया है हमने. ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरोनोज. ठीक है, ये इसका हवार्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया. ठीक है, तो इसी तरह ये तो अल्फा हो गया, बीटा में हमने सिर्फ क्या करना है, इस ओ एच को इस तरफ ले आना, सी एच टू ओ एच को यहां पर ले आना, ये तो हो जाएगा उसका बीटा स्ट्रक्चर. यहां पे मगर कोई नहीं, अगर हम बीटा की बात बोलेंगे तो हमने क्या करना है, ओ एच यहां लगा देना है और सी एच टू ओ एच यहां लगा देना है. ठीक है, बाकी रखना, और इसमें क्या करना है, ओ एच को हम ऊपर ले आएंगे और सी एच टू ओ एच को नीचे आए, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा स्ट्रक्चर. क्लियर?
क्लियर हो रही है बात आपको, समझ आ रही? अल्फा आपने बना लिया, उसके बाद हम बीटा बना लेंगे। तो ये थे फ्रुक्टोज के बारे में। राइप इसको फ्रूट शुगर जो है राइप फ्रूट्स में मिलता है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ज्यादातर ये फ्रूट्स में ही मिलता है। नाउ सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है? एक डायसेकेराइड है, डायसेकेराइड, ठीक है, इसको केन शुगर भी बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज जो है उसका फॉर्मूला होगा C12H22O11, ठीक है, दो यूनिट से बना होता है। कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलकर जो है वो बनाते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर हम कह सकते हैं क्या मिल जाएगा हमें? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया कि हम सुक्रोज से कैसे ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस आप देखेंगे कि जो सुक्रोज है वो क्या देता है? C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, दिस इज हाइड्रोलिसिस। C6H12O6 प्लस C6H12O6, फॉर्मूला वही रहेगा, एक बन गया आपका ग्लूकोज और एक बन गया फ्रुक्टोज, ठीक है। ये डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज ये बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस होता है, इसको हम लिखेंगे डी प्लस ग्लूकोज और इसको लिखेंगे डी माइनस फ्रुक्टोज, ध्यान रखना ये इतना, ठीक है, डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या डी मतलब हुआ प्लस और माइनस का? जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मॉल डी और स्मॉल एल लिख सकते हैं, या देखो स्मॉल डी पॉजिटिव साइन कुछ भी यूज कर सकते हैं, और एल के साथ हम क्या माइनस साइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये हो गया लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड में ऑप्टिकल लाइट को अगर रोटेट कर देता है इस साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है, और ये क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड में अगर रोटेशन होगी तो वो लीवो रोटेटरी होते हैं। तो यहां पर जो ग्लूकोज बनता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है, और फ्रुक्टोज बनता है वो लीवो रोटेटरी बनता है, इज इट क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका एंगल देखें अल्फा डी, इसे डिनोट करते हैं, इसका जो एंगल है रोटेशन का वो है 66.5 डिग्री, पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, आपको पता चले कि ये राइट हैंड साइड में जो है वो मूव करता है, प्लस 66.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका ग्लूकोज बनता है ये होता है 52.5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसको हम लिख देते हैं अल्फा डी इसका दिस वन, और इसका जो अल्फा डी नेगेटिव है क्योंकि ये क्या है लीवो रोटेटरी है, ये है -92.5 डिग्री, ठीक है, ये इनके एंगल ऑफ रोटेशन है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि ये था डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सुक्रोज, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जो हमारे प्रोडक्ट बने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज उसमें क्या बना, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना, एक लीवो रोटेटरी बना, है ना। अगर इनका आप कंबाइन करके देखो तो ओवरऑल आप देखोगे कि लीवो जो है वो ज्यादा वैल्यूज है, तो रिजल्टेंट जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लीवो रोटेटरी बनेगा, लीवो रोटेटरी, ठीक है, और था क्या ये डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन की जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो उसमें आप यही बताएंगे कि जो सुक्रोज है उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसका एंगल आप बता देंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों बनते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, लीवो रोटेटरी बन जाता है। तो ऑन इन दिस प्रोसेस ओवरऑल रिजल्टेंट इज लीवो रोटेटरी, सो इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर, इज इट क्लियर। तो ये एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है।
अब यहाँ पर जो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है डी प्लस ग्लूकोज का और डी माइनस फ्रुक्टोज का, उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। और ये जो इन्वर्ट शुगर होती है वो स्वीटर होती है देन ग्लूकोज, ग्लूकोज से भी स्वीटर देन ग्लूकोज। और ये सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, इन सब से क्या है? स्वीट होती है बट नॉट देन फ्रुक्टोज। ये ध्यान रखना, फ्रुक्टोज से स्वीट नहीं होती है, बाकी जो है और जो भी शुगर है उनसे क्या होती है? स्वीट होती है। ये इन्वर्ट शुगर कौन सी? किस डी प्लस ग्लूकोज और जो डी माइनस फ्रुक्टोज का जो मिक्सचर बनना है हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जैसे कि आपने देखा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओपन से सॉरी साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH। इसमें फिफ्थ कार्बन जो है वो अटैच होता है फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। और यहां पर इसको ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा, ताकि मैं जो आपको दिखाऊं बॉन्डिंग, चलो ऐसे ही बना लो, वो आपको क्लियर हो सके। ये बना लिया, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। यहां ओ एच 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 ओ एच, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये ओ एच में कन्वर्ट हो गया था, थर्ड कार्बन पे ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में आया था, ठीक है। ओ एच एच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया किसका? ग्लूकोज का। ऐसे ही हमें क्या है? फ्रुक्टोज का भी जो स्ट्रक्चर बनाया था वो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH होता है सिक्स पोजीशन पे, और सेकंड और फिफ्थ को हमने जोड़ा था, ठीक है, थ्रू द ऑक्सीजन। बाकी आपका HOH, ये थर्ड कार्बन था, OH इधर था, ये यहां पर H रह गया था, ये था आपका CH2OH। इसको एक तो OH था, एक CH2OH था, मैं CH2OH ऊपर लिख देती हूँ, यहां पे लिख देती हूँ मैं OH, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता CH2OH लिख दो या OH किस तरफ लिख, तो ये मैंने इस तरह से ले लिया है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ के दिखा दो यहां पर CH2OH, तो वो पोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसे ऊपर लगा दी, नीचे लगा दी, ये इसके साथ अटैच है, समझ आ गई। तो ये क्या बन गया आपका? फ्रुक्टोज। दोनों चीजें बन गई। अब हमने क्या करना है? इनको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जुड़ेगा? इसका जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हुआ, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यहां पर है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका फर्स्ट कार्बन का OH और इसके सेकंड कार्बन का जो OH है वो कंबाइन करेंगे और यहां से क्या निकल जाएगा? वॉटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और ये किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। अब मैं इसको सीधा लिख रही हूं, तो अब हमने क्या करना है? इसको जोड़ना है थ्रू ऑक्सीजन, ये, ठीक है। क्या निकाल दिया हमने? वॉटर निकाल दिया यहां से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? अब दिस इज सुक्रोज, ठीक है। ये ग्लूकोज रिंग होगी, ये फ्रुक्टोज रिंग होगी। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बना लेते हैं, इसी को एज इट इज हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो थोड़ा सा छोटा बनेगा, पहले हम यहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज बना लेते हैं, पाइरोनोज रिंग बनेगी इस तरह से, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट कार्बन अटैच करना है, तो यहां इस तरफ हम फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कार्बन है, यहां पर हम नीचे है लिख देते हैं H, ठीक है। अब यहां पर ये सेकंड कार्बन, थर्ड, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, बाकी में OH नीचे आएगा, ठीक है, H। और यहां पे ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब फोर्थ कार्बन देखो, फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में, तो इसको नीचे ही बनाना है आपने, ठीक है। फिफ्थ कार्बन जो है उस पे ये अटैच है इसके साथ, और इसके साथ एक क्या है? CH2OH ग्रुप है, और यहां पर हाइड्रोजन दिखाना भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखा करो, यहां हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर हम दिखा देंगे इसको, ये हाइड्रोजन, यहां CH2OH,
ये ग्लूकोज की पाइरोनोज रिंग बन गई है। अभी हमने यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है फर्स्ट पोजिशन पे हट। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर मैं बनाती हूं फ्यूरोनोज रिंग फ्रुक्टोज की। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया। अब यहां पर देखो कौन से सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंड कार्बन इस तरफ बना लूंगी मैं। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर क्या है, CH2OH है, CH2OH और एक क्या है OH है। ठीक है, जोड़ेंगे अभी तो हम। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक बार OH ही बना देती हूं। बाकी क्या जोड़ना है, थर्ड कार्बन है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड कार्बन भी OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हमने ऊपर बनाना है, बाकी नीचे इन चीजों का ध्यान रखना बस। फिफ्थ कार्बन पे क्या है, एक CH2OH ग्रुप है, ठीक है, और एक क्या है हाइड्रोजन है। ये आप कौन सा भी बना सकते हो, अल्फा या बीटा के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो इसको भी, अल्फा बीटा। ठीक है, इसको सॉरी इसको CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, ये बन गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी कि इस तरह की एक ऊपर का ग्रुप जाएगा एक नीचे का, तो यहां पर हमें इसको जोड़ना है। ये जो ऑक्सीजन है ये है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है इनके अंदर। यहां ऊपर एक OH था, एक OH यहां का नीचे था, वो वाटर निकाल देते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसे वाले है ना, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर दोनों ऊपर ऊपर या दोनों नीचे नीचे की तरफ से हम ऐसे जोड़ते, वो होती है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसलिए तो ये आपका हो गया किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया हवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इज इट क्लियर, तो इस तरह से आप इनको बनाएंगे। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, इस तरह भी आप बना सकते हो, ये भी गलत नहीं है, और ये इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, देखो इसको यहां नीचे CH2OH, वो बस अल्फा और बीटा का फर्क होते हैं। ठीक है, थीके? अगर यहां का OH बना दिया हमने तो ये ऐसे, यहां पर हमने बनाया इसका H, तो ये ऐसे भी जुड़ सकता है, OH यहां पर, OH यहां पर, H ये CH2OH यहां पर क्या आएगा हमारा OH। ठीक है, ये CH2OH, ठीक है, सेकंड कार्बन। और अगर इस तरह ऊपर नीचे OH हुए तो हमने जोड़ना, तो ऐसे बन जाएगा, तो बनेगी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है कि उसमें हमने अल्फा लिया था, यहां हमने बीटा लिया है, बस इतना सा ही है फर्क। नेक्स्ट है माल्टोज, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, माल्ट शुगर फॉर्मूला रहेगा C12H22O11, ये भी एक डायसैकेराइड है। इसके अंदर जो है ग्लूकोज यूनिट जो है, वो दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होकर माल्टोज बनाती है। ठीक है, और ये हमें कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च आपको पता ही है एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना हुआ होता है, तो उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च की तो आपने देखा कि ग्लूकोज बनता है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें तो थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो दो रिंग जो है आपस में, दो ग्लूकोज रिंग जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, माल्ट शुगर, दैट इज माल्टोज। तो हमारा क्या है स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, एन मोलिक्यूल्स ले लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एन मोलिक्यूल्स ऑफ वॉटर की प्रेजेंस में, एसिड जो है यहां पर लगेगा, तो क्या बनेगा, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एन मोलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज बन जाएंगे C12H22O11, ये क्या बन गया माल्टोज। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वैसे ही ओपन चेन स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी है, हवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये दोनों देखेंगे हम। देखो शुगर आपको पता ही है, ग्लूकोज जो है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जो है दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी है, इसलिए हमें ग्लूकोज यूनिट बना लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 CH2OH फर्स्ट कार्बन पे, अगर हम इसका सीधा
जो है रिंग ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं फर्स्ट थर्ड पे OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बाकी जो है राइट हैंड साइड में आएंगे और इसको हमने जोड़ देना है यहां से यहां तक, ये फिफ्थ से जुड़ जाएगा, ये बन गया ग्लूकोज का। ऐसे ही हमने दूसरा ग्लूकोज सेम बना लेना है 3, 4, 5, 6 CH2OH, ये फिफ्थ और ये फर्स्ट जो है जुड़े हुए होते हैं। यहां पर हम H इस तरफ आप लिख लो चाहे इसको OH H, क्योंकि हमें लिंकेज दिखानी है HOH OH H HOH, ये दिस वन दोनों ग्लूकोज हो गए। अब इसमें क्या होता है फर्स्ट कार्बन और एक का फोर्थ कार्बन, ठीक है, उनको वे लिंक होते हैं। तो यहां से हम चाहे किसी का दिखा लो, इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ दिखा लो या इसका फोर्थ इसका फर्स्ट दिखा लो, तो कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से हम दिखा लेते हैं क्योंकि यहां पर इजी रहेगा इसको दिखाना, इस तरफ ही है दोनों चीजें और ये लिंक हो जाएंगे थ्रू ऑक्सीजन। थोड़ा सा ऐसे बना दो थोड़ी अलग सा दिखे तुम्हें, ठीक है। ये कौन सा है फोर्थ कार्बन, ये कौन सा है फर्स्ट कार्बन, तो इसका OH ग्रुप और इसका OH ग्रुप वाटर निकल जाएगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा कार्बन किससे लिंक है, और ये क्या है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहां पर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका हवार्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं। फ्यूरोज ऐसे हम रिंग बना देंगे इसकी पाइरोनोज रिंग, ऐसे ही यहां पर एक ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। अब हमने फर्स्ट और फोर्थ जोड़ना है तो यहां पे जोड़ेंगे, तो इसका एक इसका फर्स्ट ले लेते हैं, यहां पे इसका फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बस लिंकेज और फिर वो कार्बन एटम पे जो OHH ग्रुप है उनका ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखो OHH फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, बाकी में OH नीचे आएगा, ठीक है। H CH2OH है, सॉरी यहां पे अभी तो OH आएगा, यहां आएगा CH2OHH, ये बन गया एक ग्लूकोज। ऐसे ही यहां बनाएंगे, यहां पर हमने क्या बनाना है H OH थर्ड कार्बन पे OH ऊपर, यहां पर बाकी में OH नीचे, फोर्थ कार्बन हो गया ये फिफ्थ और ये सिक्स, दोनों ग्लूकोज बन गए। अब ये देखो दोनों OH ग्रुप पास पास में आ गए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा इनके अंदर लिंकेज बन जाएगी वॉटर मॉलिक्यूल्स निकालकर। तो आप देखो नीचे नीचे के एक तरफ आ गए हैं, तो दैट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस यही ध्यान रखना है किसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, किसमें बीटा है और कौन से आइटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो ये देखो ये तो फर्स्ट कार्बन था, ऐसे आप इसको नंबरिंग भी देंगे ताकि पता चल जाए, ठीक है। और यहां पर ये कौन सा कार्बन है फोर्थ कार्बन है, ये थर्ड है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया माल्टोज, दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हो गए बन गया, ठीक है, क्लियर। नाउ लैक्टोज, लैक्टोज जो है उसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर, क्योंकि मिल्क के अंदर जो शुगर होती है स्वीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है लैक्टोज की वजह से होती है, इज इट क्लियर। फॉर्मूला C12H22O11, ये भी एक डाइसैकेराइड्स है और ये किससे बना होता है, दो यूनिट से बना होता है, एक तो डी ग्लूकोज और एक होता है डी ग्लैक्टोज। ठीक है, दो यूनिट से बना हुआ डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर हाँ हमारा मिस हो गया था बीच में, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, ये भी ग्लूकोज की ही तरह है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ग्लैक्टोज जो होता है ना उसके अंदर थर्ड और फोर्थ दोनों ही कार्बन पे OH जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है में होता है ग्लैक्टोज के अंदर। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन जो है उस पे OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों पे बनाना है, बाकी सारे ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज है उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। अब बना लेते हैं हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, सिक्स कार्बन पे CH2OH ग्रुप है, यहां पर हम बना लेते हैं इसके OHH ग्रुप, H OH थर्ड कार्बन पे OH यहां बना लेते हैं और इसका रिंग चेन स्ट्रक्चर है तो इसका फिफ्थ और इसका फर्स्ट इसको हमें कंबाइन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया डी ग्लूकोज,
ठीक है, ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, ग्लैक्टोज बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 सी एस टू ओ एच, यहां पर ओ एच एच। अब देखो 1 2 3 4th, फोर्थ कार्बन पे ओ एच जो है लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है और थर्ड पे भी, बस बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज जैसा ही है। इसमें इस तरफ हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप ओ एच इस तरफ बना लेंगे, कंबाइन करके हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने लिंकेज दिखानी है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया डी ग्लैक्टोज, दोनों बना लिए। अब हमने लिंकेज दिखानी है इन दोनों के बीच में, अब कौन सी लिंकेज होगी, इसका जो ग्लैक्टोज है इसका तो फर्स्ट कार्बन और इसका जो है फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का, ये कंबाइन हो जाएंगे, इसका ओ एच और इसका भी ओ एच, इनको आपने यहां से हटा देना है और इसको जोड़ देना है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका बन गया, लैक्टोज का, ठीक है, डी लैक्टोज बन गया ये, क्योंकि डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज से बना है तो डी लैक्टोज बन गया। अब इसका हवा प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बना देंगे दोनों यूनिट, दोनों ही जो है पाइरोनोज रिंग है, 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे भी ओ एच ऊपर करना है हमने, सी एस टू ओ एच, तो ये बन गया ग्लैक्टोज, क्योंकि ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन हमने कंबाइन करना है, तो इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट कार्बन ले लिया, इसका इसका फोर्थ कार्बन ले लेंगे, ठीक है, ओ एच एच ओ एच एच, थर्ड कार्बन पे ओ एच ऊपर बनाना है आपने, ठीक है, बाकियों में ओ एच नीचे, सी एस टू ओ एच एच बन गया भाई। ये बन गया आपका ग्लूकोज का डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज बन गए यूनिट्स। अब बस हमने क्या करना है, कंबाइन करना है इन दोनों को, कैसे करना है देखो भी, इसमें जो है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इस वजह से बीटा बनाना है, देखो इससे तो अल्फा बन रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो हम जो है उसकी कौन सी फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि ये तो दोनों फॉर्म हो सकती है, ये जो बनेगा इसका ओ एच इस साइड भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, मैंने बताया था ना अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है, तो यहां पर अगर राइट हैंड साइड में आप ओ एच आता है तो वो अल्फा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो बीटा होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड के हम कहां बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के ओ एच इस तरफ आ गया तो ये कौन सा हो गया बीटा, तो बीटा ग्लैक्टोज ले लेंगे, तो ओ एच एक ऊपर बनाना है, ध्यान रखना बस लिंकेज का कि कौन सी लिंकेज बनेगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, इसीलिए हमने एक का ओ एच यहाँ पे, इसका ही ओ एच ले सकते हैं, इसका ओ एच ऊपर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये तो फोर्थ कार्बन हो गया ग्लूकोज का, इसमें ओ एच नीचे ही आएगा, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है इसका ओ एच भी ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, वो अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग बन जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब लिंकेज बनती है तो दोनों चांस होते हैं, इधर भी ओ एच आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन गई इसकी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो बस ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सी लिंकेज होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई यहां पर, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका बन गया हमारा लैक्टोज का, तो ये बन गया लैक्टोज, क्लियर, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुत इजी है दोनों ही, मतलब अगर आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर पता चल गया उसके बाद आप डाइसैकेराइड्स बना सकते हैं, आपको ध्यान रखना कि उनके अंदर कौन कौन से कंबाइन होंगे यूनिट और कौन सी लिंकेज होगी, बाकी उनको जोड़ना है, ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर आते हैं आपके, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आता है, हवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आता है, तो दोनों ही आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैक्टोज, डाइसैकेराइड्स यहां पर हो गया हमारी कंप्लीट, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, जय हिंद।